वेलकम टू योर टू केमिस्ट्री क्लास आज के क्लास में हम लोग ग्रुप सिक्सटीन के सेकेंड एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे जो है आपका सल्फर जिसका सिंबल होता है एस इसका अटोमिक नंबर होता है सिक्सटीन और वैलेंशियल कन्फिग्रेशन होता है थ्री एस टू थ्री पी फोर तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि सल्फर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है कितने फॉर्म्स में अवेलेबल है फ्री फॉर्म में है या कंबाइंड फॉर्म में है और इसके कितने एलोट्रोपिक फॉर्म्स पॉसिबल है ठीक है तो सल्फर इज फाउंड इन फ्री एज वेल एज इन कंबाइंड स्टेट इन कंबाइंड स्टेट इट एग्जिस्ट एज सल्फाइड्स एंड सल्फेट्स तो सल्फर फ्री फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और कंबाइंड फॉर्म में भी और कंबाइंड फॉर्म में सल्फर सल्फाइड्स और सल्फेट्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ओके okay? तो सल्फाइड्स फॉर्म ऑफ सल्फर है नंबर वन जिंक ब्लेंड जिसका फॉर्मूला होता है ZnS, एस नेक्स्ट गैलेना पी बी एस दैट इज लेड सल्फाइड थर्ड सीनाबार दैट इज एच डी एस मर्क्यूरिक सल्फाइड फोर्थ कॉपर पायराइट सी यू एफ ई एस टू और फिफ्थ सल्फाइड है आयरन पायराइड जिसका फार्मूला होता है एफ ई एस टू तो फाइव सल्फाइड्स फॉर्म जिसमें सल्फर का एग्जिस्टेंस होता है और सल्फेट फॉर्म में ये जिप्सम और इप्सम सॉल्ट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है जिप्सम का फॉर्मूला होता है सी ए एस ओ फोर डॉट टू एच टू ओ और एप्सम सॉल्ट का फार्मूला होता है एम जी एस ओ फोर डॉट सेवन एच टू ओ ठीक है नेक्स्ट अब आते हैं एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ सल्फर पर तो सल्फर तीन एलोट्रोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है नंबर वन रोम्बिक सल्फर नंबर टू मोनोक्लिनिक सल्फर और नंबर थ्री प्लास्टिक सल्फर तो नंबर वन रोम्बिक सल्फर जिसको ऑक्टाहाड्र सल्फर या अल्फा सल्फर भी कहते हैं ठीक है इट इज द मोस्ट स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ सल्फर एट रूम टेम्परेचर तो सबसे स्टेबल फॉर्म ऑफ सल्फर होता है आपका रोम्बिक सल्फर या ऑक्टाहाइड्र सल्फर या अल्फा सल्फर कह सकते हैं इसे ठीक है इट इज ब्राइट पेल इज एम्बर कलर्ड सॉलिड तो रोम्बिक सल्फर का कलर होता है ब्राइट पेल येलो जिसे एम्बर कहते हैं इस कलर को ठीक है सॉलिड होता है इस कलर का नेक्स्ट इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर बट डिजॉल्व रेडिली इन सी एस टू दैट इज कार्बन डाइसल्फाइड तो सल्फर वाटर में इनसोलबल है वाटर में डिजोल्व नहीं होता है लेकिन कार्बन डाइसल्फाइड में आसानी से डिजोल्व हो जाता है तो रोम्बिक सल्फर का सोल्वेंट होता है कार्बन डाइसल्फाइड ठीक है नेक्स्ट है इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का और इसका एग्जिस्टेंस होता है एज एस एट मॉलिक्यूल विच इज पैकड टूगेदर इन ऑक्टा हेडल शेप और पकर रिंग स्ट्रक्चर और क्राउन शेप तो सल्फर का जो ऑक्टाहेड्रल फॉर्म है या रोम्बिक फॉर्म है या अल्फा सल्फर का जो फॉर्म है वो एस एट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है सल्फर जिसमें ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट होता है ऑक्टाहेड्रल शेप होता है या फिर इसे पक्ड रिंग स्ट्रक्चर भी कहते हैं या क्राउन शेप भी कहते हैं क्राउन जैसा स्ट्रक्चर बन के आता है इसलिए इसको क्राउन शेप स्ट्रक्चर भी कहते हैं पकड़ का मतलब होता है नॉन प्लानर स्ट्रक्चर एक प्लेन में नहीं होगा ठीक है तो ये एक नॉन प्लानर स्ट्रक्चर होता है ठीक है इसीलिए इसको पकड़ रिंग स्ट्रक्चर भी कहते हैं तो ये है आपका क्राउन शेप पकड़ स्ट्रक्चर या ऑक्टाहेड्रल शेप ऑफ एस एट मॉलिक्यूल दैट इज रोम्बिक सल्फर ओके सेकेंड एलेक्ट्रोपिक फॉर्म ऑफ सल्फर है मोनोक्लिनिक सल्फर और बीटा सल्फर ठीक है इट इज अ डल येल्लो नीडल शेप्ड सॉलिड इसका कलर डल होता है लेकिन ये भी येल्लो कलर का ही है और इसका शेप होता है नीडल जैसा नीडल शेप्ड सॉलिड इट इज स्टेबल बिटवीन थ्री सिक्सटी एट पॉइंट सिक्स केलविन टू थ्री नाइनटी थ्री कैलविन ठीक है तो ये मोनोक्लिनिक सल्फर का एक्जिस्टेंस आपका थ्री सिक्सटी एट पॉइंट सिक्स केलविन से लेकर के थ्री नाइनटी थ्री केलविन तक होगा इसके ऊपर उसका फॉर्म चेंज हो जाएगा और 368.6 के नीचे उसका फॉर्म चेंज हो जाएगा सिर्फ इसी टेम्परेचर पर मोनोक्लिनिक सल्फर का एग्जिस्टेंस होगा ठीक है तो बिलो 368.6 सिक्सटी एट पॉइंट सिक्स केल्विन दैट इज नाइंटी डिग्री सेल्सियस इट इज कन्वर्टेड इन टू रोम्बिक सल्फर तो 368.6 सिक्सटी से नीचे वाले टेम्परेचर पर वो रोम्बिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और 368.6 सिक्सटी के ऊपर वो फिर मोनोक्लिनिक सल्फर में कन्वर्ट हो जाएगा तो 368.6 सिक्सटी या 95.6 डिग्री सेल्सियस जो है ये ट्रांजिशन टेम्परेचर है बिटवीन रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक सल्फर इस टेम्परेचर के नीचे हीट किया जाए तो रोम्बिक में कन्वर्ट हो जाएगा और अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो फिर वो मोनोक्लिनिक में कन्वर्ट हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट है इट इज सोलिबल इन कार्बन डाइसल्फाइड बट इन सोलबल इन वाटर तो रोम्बिक सल्फर की तरह ही मोनोक्लिनिक सल्फर भी कार्बन डाइसल्फाइड में डिजॉल्व होता है और वाटर में डिजोल्व नहीं होता है नेक्स्ट है मोनोक्लिनिक सल्फर एग्जिस्ट एज एसेट मॉलिक्यूल हैविंग पकड़ रिंग बट विथ डिफरेंट सिमेट्री ऑफ क्रिस्टल तो ये भी रोम्बिक सल्फर की तरह ही पकड़ रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है लेकिन इस क्रिस्टल की सिमेट्री अलग होती है डिफरेंट होती है रोम्बिक से तो ये एक उल्टा क्राउन जैसा दिख रहा है तो रोम्बिक सल्फर से इसकी स्ट्रक्चर ऑफ अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट है लेकिन ये भी एसिड मॉलिक्यूल ही है ये भी एक पकड़ रिंग स्ट्रक्चर ही है ठीक है और थर्ड एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ सल्फर है प्लास्टिक और गामा सल्फर इट इज एन एमोर्फर सॉलिड इनसॉल्यूबल इन ऑल सॉल्वेंट्स इवन इन कार्बन डाइसल्फाइड एंड वॉटर तो ये एक एमोर्फस फॉर्म ऑफ सॉलिड है बाकी आपका रोम्बिक और मोनोक्लिनिक जो है क्रिस्टलाइन फॉर्म में था ये एमोर्फस फॉर्म वाला सॉलिड है इनसॉल्यूबल है सारे सॉलवेंट्स में कार्बन डाइसल्फाइड और वॉटर में भी ये डिजोल्व नहीं होता है यानी कि ये एक इनसॉलिबल फॉर्म ऑफ एलोट्रोप है सल्फर का ठीक है नेक्स्ट इट कंसिस्ट ऑफ जिगैक चेन ऑफ सल्फर तो इसका कोई ऑक्टाहेड्रल या पकड़ या क्राउन या इस तरह का कोई अरेंजमेंट नहीं होता है लेकिन एक चेन जैसा अरेंजमेंट हो जाता है जिसमें सल्फर एटम्स आपस में अटैच रहते हैं ठीक है तो इस तरह का होता है आपका जिग्जैक अरेंजमेंट ऑफ प्लास्टिक और गामा सल्फर ठीक है तो ये थे आपके एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे सल्फर के कंपाउंड से जिसमें एक आपको ऑक्साइड फॉर्म ऑफ कंपाउंड पढ़ना है और एक सल्फर का ऑक्जो एसिड फॉर्म ऑफ कंपाउंड ऑक्साइड में हम लोग पढ़ेंगे सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज़ और यूजेस के बारे में और ऑक्जो एसिड में हम लोग पढ़ेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में सल्फ्यूरिक एसिड के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज़ और यूजेस के बारे में ओके थैंक यू